नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर हरी मिर्च की स्वादिष्ट चटनी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने एक स्टैंड लिया है, उसके ऊपर हम गैस चलाकर एक लहसुन की गांठ, तीन हरी मिर्च, चार टमाटर, और एक इंच अदरक का टुकड़ा, इन्हें हम इस गैस के ऊपर रोस्ट कर लेंगे। धीमी आंच पे हमें रोस्ट करने हैं, तेज आंच पे हमें रोस्ट नहीं करने हैं, नहीं तो ये जल जाएंगे और अंदर से सिकेंगे नहीं। इस तरह से हमें इनको रोस्ट कर लेना है। जब ये हल्के सिक जाएंगे तो हम उलट पलट करते रहेंगे। देखिए इस तरह से ये चटनी खाने में बहुत टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। अब आप मिक्सी में चटनी बनाते हो, एक बार इस तरह से रोस्ट कर टमाटरों को, हरी मिर्च को, लहसुन अदरक को चटनी बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप इस तरह से चटनी बनाएंगे और मिक्सी की चटनी भूल जाएंगे, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। मिर्च को हम इसी तरह चारों ओर से घुमाते हुए सेक लेंगे। देखिए मिर्च हमारी सिक गई है, जो चीज़ सिक गई है उनको हम निकाल लेंगे। जैसे मिर्च सिक गई है तो इसे हम निकाल लेंगे और सभी चीज़ों को पास में कर देंगे ताकि ये भी अच्छे से सिक जाए। देखिए तीनों मिर्च सिक गई थी हमारी, ये लहसुन भी हमारा सिक गया है अच्छे से, इसे भी निकाल लेंगे। अब सभी चीज़ों को वापस से पास पास कर देंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए। फ्रेंड्स ये चटनी आप स्टोर कर भी रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है और इसमें बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता है। देखिए सभी चीज़ें अच्छे से सिक गई हैं, टमाटर वगैरह भी सिक गए हैं, इसका छिलका अपने आप ही उतरने लगा है और इसे अब हम निकाल लेंगे। गैस को हम कम कर देंगे या फिर आप गैस को बंद कर दें। देखिए मैंने निकाल ली है, अब हम मिर्च का छिलका निकाल लेंगे। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स और बहुत ही जल्दी छिलका निकल जाता है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती है इसमें। सॉफ्ट होने के बाद छिलका टमाटर हरी मिर्च सबका बहुत ही जल्दी निकल जाता है और इस चटनी को बनाना बहुत ही आसान है। इसका जो टेस्ट है फ्रेंड्स बहुत ही अलग है। आप एक बार इस तरह से रोस्टेड चटनी ज़रूर बनाकर खाएं, टमाटर की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। देखिए इस तरह से छिलका उतार लेंगे, आप देख रहे हो बहुत ही आसानी से छिलका उतर रहा है। आप चक्कू से भी छिलका उतार सकते हो, बस हल्का हल्का चक्कू लगाएं, ये सारा छिलका निकल जाएगा। देखिए मैंने छिलका निकाल लिया है और इसके बीज भी हम निकाल देंगे। देखिए इस तरह से बीज निकाल देंगे। मैंने तीनों मिर्ची जो है वो छील ली है। अब हम अदरक को भी इसी तरह छील लेंगे, चक्कू की सहायता से छील लेंगे और बहुत ही टेस्टी चटनी बनकर हमारी तैयार होगी फ्रेंड्स। इसे आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, जब कोई सब्जी ना हो तब भी आप सिर्फ अकेली चटनी से भी रोटी खा सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। अब हम टमाटर को भी छील लेंगे। देखिए बहुत ही आसानी से टमाटर भी हमारा छिल रहा है और इसमें बिल्कुल भी मेहनत भी नहीं लगती है। और बिना मिक्सी के, बिना सिलबट्टे के ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इस तरह से चटनी ज़रूर ज़रूर बनाकर खाएं। देखिए लहसुन भी हम छील लेंगे फ्रेंड। लहसुन को इस तरह भूनने से लहसुन में जो कच्चापन होता है वो निकल जाता है। हम जो चटनी बनाएंगे उसके अंदर लहसुन की बिल्कुल भी कच्चेपन की बांस नहीं आएगी और ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। इसे आप स्टोर कर भी रख सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, कोई गेस्ट आए तब भी बना सकते हैं और इसे आप सफ़र पे भी ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है।
देखिए मैंने सभी चीज़ें छील ली हैं। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके अंदर टमाटर डाल देंगे और इसे आलू मैशर से मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स आप हाथ से भी इसे मैश कर सकते हैं, अगर टमाटर को थोड़ा और सॉफ्ट करना चाहते हैं तो 2 मिनट के लिए आप गैस पर इन्हें और भून सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। देखिए इस तरह से हम आलू मैशर से इसे अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए मैंने काफ़ी मैश कर लिया है पर अभी भी इसके अंदर बड़े छिलके हैं, उनको हम हाथ से मैश करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपके पास मिक्सी भी नहीं है, हैंड ब्लेंडर भी नहीं है, चॉपर भी नहीं है, तो आप देखिए इस तरह से टमाटरों को मैश कर ले हाथ से और चटनी बनाकर तैयार कर सकते हैं और खा सकते हैं। जो बच्चे घर से दूर रहते हैं वो इस तरह रोस्टेड चटनी बनाकर खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए इस तरह से हाथ से मैश कर लें टमाटरों को। अब हम इसे अलग रख देंगे। ये कूटने वाला तो फ्रेंड सबके घर में होता है, इसके अंदर हम लहसुन डाल देंगे और इसे थोड़ा पीस लेंगे, इस तरह से कूट लेंगे। देखिए इस तरह से। इसी के साथ ही हम अदरक भी डाल लेंगे और अदरक को भी कूट लेंगे और साथ ही हम हरी मिर्ची भी डाल लेंगे। हरी मिर्च इसके अंदर आप काट कर भी डाल सकते हैं। तीनों हरी मिर्च डाल लेंगे और इसे भी कूट लेंगे। ये थोड़ा जल्दी कूट जाए उसके लिए हम इसके अंदर स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे पहले, थोड़ा सा हम बाद में डाल लेंगे। और इस तरह से, इस तरह नमक डालने से जो लहसुन है, अदरक है, वो जल्दी कूट जाती हैं। देखिए ये कूट गए हैं अच्छे से। अब हम इसे टमाटर मैश किए हुए में डाल देंगे, जो हमने हाथ से टमाटर मैश किए हैं ना उसके अंदर डाल देंगे। और इसे टमाटर के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से। अब हम इसके अंदर कुछ मसाले डाल लेंगे। जीरा पाउडर डाल देंगे 2 पिंच के करीब। लाल कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1/4 चम्मच। ये तीखी नहीं होती फ्रेंड्स, पर इसके डालने से हमारी चटनी में कलर बहुत अच्छा आएगा। भुना हुआ जीरा डाला है मैंने 1/4 चम्मच, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जीरे को मैंने तवे पे रोस्ट करके डाला है। थोड़ा सा मैंने नमक डाला है क्योंकि नमक हमने पहले भी डाला था। अगर कम रहा तो आप नमक बाद में भी डाल सकते हैं, पर एक साथ ज़्यादा नमक ना डालें, नहीं तो चटनी का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। बस यही चीज़ें चाहिए इसके अंदर और कुछ भी नहीं हमें डालना है। बहुत ही टेस्टी चटनी हमारी बनकर तैयार होगी। बस अब हम इसे थोड़ा सा अच्छा सा लुक और टेस्ट देने के लिए कटा हुआ धनिया डाल देंगे। बहुत ही कम मसालों में फ्रेंड्स हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। जो बच्चे घर से दूर रहते हैं वो इस चटनी को खुद बनाकर खा सकते हैं। इसके अंदर ना तो मिक्सी की ज़रूरत है, ना हैंड ब्लेंडर की, ना किसी चॉपर की। आप इसे हाथ से ही बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप इस तरह से चटनी ज़रूर बनाकर खाएं। देखिए चटनी तैयार हो गई है, इसे हम परोस लेंगे। देखिए फ्रेंड हमारी चटनी तैयार है खाने के लिए। ये रोस्टेड चटनी आप एक बार ज़रूर ज़रूर बनाकर खाएं, आपको और आपकी फैमिली को काफ़ी पसंद आएगी। फ्रेंड्स अगर आपको ये रोस्टेड चटनी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। फिर मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।